हेलो वेलकम अगेन हियर ऑन माय चैनल जानकारी हित माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एज ए कॉमर्स लेक्चरर। मैं थोड़े नाल अपने चैनल के उत्ते अज 12वीं वीडियो साझी करन जा रहे हैं रिलेटेड विद अकाउंटेंसी। 8-12 के अंडर मैं वीडियो थोड़े नाल साझी कर रहे हैं। कॉन्सैप्ट तो ही है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज दिया कुछ नेक्स्ट प्रोसैस के वादे हुए, जेकर इस तो पहला सीखना तो तुहानूं A1 तो लेके A11 तक सारे कॉन्टेंट क्लीयर किए गए हैं, उन्होंने देख सकते हो। आओ A12 के कुछ नवे टॉपिक जो साझे करने ने, उन्हें कंपाउंड एंट्रीज की ने, ये संबंधित कॉन्सैप्ट परचेज की असं एंट्रीज कर चुके हैं, परचेज रिटर्न की एंट्रीज अज करा, सेल्स रिटर्न की एंट्रीज, डेप्रीशिएशन, तो इस अलावा नॉमिनल अकाउंट न संबंधित कुछ एंट्रीज थोड़े क्लीयर करा अज के इस वीडियो के। लैट्स मूव एट विद मी। जर्नल एंट्रीज की गल हो रही है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल तुम्हें सारा पता है। पहला असं कई वीडियोज़ इस पर बना चुके हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, नरेशन, दीज आर द 6 मेन कॉन्सैप्ट। जेकर कोई कॉन्सैप्ट तुहानू क्लीयर नहीं है तो मैं कहाँ पहला असं कर चुके हैं, तो मेरिया पहला जिहड़ियां वीडियोज़ ने A1 तो लेके A11 तक तुसी उन्हें लगातार देख सकते हो। आओ अगे वधिया, अज दा जिहड़ा मेन मकसद है अज दीआं जर्नल एंट्रीज़ नू करना। पर उस तो पहला एक बड़ी समस्या हो जाती है साढ़े सामने, अप्लाई किया जाए तो किहड़ा तरीका किया जाए, क्योंकि टीचर्स ज़्यादातर दो तरीके दस देंदे ने। एक ट्रेडिशनल मैथड है जिदे विच तीन तरह के अकाउंट ने, जिवें असीं इत्थे देख रहे हैं। एक साढ़े कोल परसनल अकाउंट है, इस तो इलावा इहदे विच ध्यान नाल देखो तां एक साढ़े कोल रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट ने डबल एंट्री सिस्टम दे विच, असीं कर चुके हैं, दोबारा देख सकते हो। डेबिट दा सीवर, क्रेडिट दा गिवर, परसनल अकाउंट रियल च डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट, ते नॉमिनल च डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस सारे का मतलब असीं जानते हैं। जेकर क्लीयर नहीं तो पिछले वीडियोज़ जरूर देखो, उस तो बिना तुहानूं इह कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं होणगे, क्योंकि अज असीं बहुत अगे वध चुके हैं। दूसरा तरीका सानूं पता है, इक्वेशन बेस्ड सिस्टम जिहनूं मॉडर्न टैक्निक कहिंदे ने। अकाउंट नूं पंज हिस्सों च वंडिया गया, जिहड़े डिफरेंट टाइप के अकाउंट ने बिजनेस के विच, एसेट्स, एक्सपेंसिज, लाइबिलिटीज, कैपिटल या इक्विटी, इनकम और रेवन्यू। ये बिजनेस दी हर एक ट्रांजैक्शन दा जिहड़ी मर्जी अकाउंट इफेक्टड होवे पंजां दे विच आंदा है, जेकर मॉडर्न टैक्निक है। जेकर असीं ट्रडिशनल टैक्निक की गल करते हैं, ट्रडिशनल मैथड, तो वह इन्हों के किसी ना किसी से आएगा। सो कि मर्जी तरीका अपना सकते हो, भी इस कोई प्रॉब्लम नहीं, विच मैथड के बारे तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, जोड़ा सूट कर दिया। आप कुछ एंट्रीज दोनों नाल करके दिखाऊंगा तुहानू मैं, क्योंकि मतलब सेम ही होंगे। आओ अगे वधीए, अज के कॉन्सैप्ट से वल जाते हुए आ देखिए इस गल के बारे कि अज का कॉन्सैप्ट सानू की कहिंदा है। सब तो पहला जी इंपॉर्टेंट एंट्री थोड़े तो मैं साझी कर जा रहे हैं, प्लस वन के विद्यार्थियों, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। मीनस की है यदा, यदा मतलब सेम हो गया है, जा किते परचेज रिटर्न लिखा हो जा रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का मतलब गुड्स नू परचेज किया पर वापिस करनिया पै गई, क्यों करनिया पै गई, ड्यू टू सर्टन रीजनस लाइक बीइंग डिफेक्टिव, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और अदर रीजनस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकते समझौता होया हो, वस्तुआं खराब सी, वस्तुआं आप टू डेट नहीं सी, वस्तुआं सेल नहीं हो सकियां, सानू सप्लायर ने कहा कि मैं वापस ले लूँगा, कुछ भी कारण करके जिहड़ियां सी वस्तुआं परचेज कीतियां सी वापस करतियां। यही कारण है, क्योंकि वस्तुआं जदों वापस हो रही ने तो बिजनेस चों बाहर जा रही ने, तो इहनूं असीं रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहने हैं। मतलब सेम है, गल ध्यान रखियो, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो हुंदा की है, आप एक एग्जाम्पल लेके आराम नाल समझ लें, ध्यान नाल समझो इस गल नूं। इह तां पता लग गया कि परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड की है। गुड्स वर्थ रुपीज 5000 रिटर्न टू परगट, परगट नूं 5000 दीआं चीज़ां असीं वापस करतीआं, कदें खरीदियां होणियां वी आपां तां, जे इह एंट्री समझनी है कि गुड्स जदों वापस कीतियां फिर की होया। एनालिसाइज करदे आं, विश्लेषण, दो अकाउंट इफेक्टड हो रहे ने, एक परचेज रिटर्न मतलब गुड्स, जदों परचेज कीतियां सी उदों असीं गुड्स नूं परचेज अकाउंट शामिल करते हैं, जदों सेल करते हैं उदों गुड्स नूं सेल्स अकाउंट। इस तरह जदों गुड्स नूं वापस कर रहे हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट मीनस गुड्स ही ने जिहड़ियां वापस आ रही ने। तो सैकेंड अकाउंट जिहड़ा इफेक्टड हो रहा है वह है परगट अकाउंट, क्योंकि परगट वस्तुओं नूं लेने वाला है। सानूं पता है परचेज रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड गुड्स नूं बिलोंग करता है,
इस करके रियल अकाउंट ना रिलेटेड हो गया। रियल अकाउंट ट्रीटमेंट की होंदा है, वुड कम्स इन डेबिट वुड गोज आउट क्रेडिट, गोइंग आउट गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स बाहर जा रही ने भी सो गेट्स क्रेडिट। इस करके गुड्स मीन्स परचेज रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड बिल्कुल नहीं है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड अकाउंट में असं की कर देंगे हर हालत दे विच असं इनू करांगे क्रेडिट। यस ये ध्यान रखियो, ये है आउटवर्ड, इनू आपां आउटवर्ड कर देने हैं भी। यस आउटवर्ड अकाउंट ध्यान रखियो। उस तो बाद है प्रगट अकाउंट, सानू पता है परसनल अकाउंट है, वो वस्तु नू प्राप्त करने वाला है क्योंकि सप्लायर से उन्हें वस्तु वापस करती हैं। इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, क्योंकि रिसीवर है, रिसीवर के अकाउंट में असं की करांगे डेबिट। तुसीं ध्यान नाल सोचो, ये मैं दस्सिया तुहानूं मैं ट्रडिशनल मैथड, जोड़ा असी ट्रडिशनल टैक्नीक किए तो आओ हूँ मॉडर्न टैक्नीक के नाल सोच के देखिए। मॉडर्न टैक्नीक असी किए ने पांच तरह के अकाउंट ने, मॉडर्न टैक्नीक किन्ने ने टोटल फाइव टाइप अकाउंट। जिमें सोचिए गुड्स ने भी बिजनेस आई हैं, असी उन्होंने एसेट्स मानते हैं, स्टॉक का पार्ट ने, साड़िया जड़िया एसेट्स ने डिक्रीज हो रही ने बिजनेस के विच। मैं तुहानूं दस्सिया सी उत्थे, ध्यान नाल सोच के देखो, जे एसेट्स इनक्रीज होंदियां ने तां असीं उस एसेट दे अकाउंट नूं डेबिट करदे हां, जे डिक्रीज होंदियां ने तां क्रेडिट। तां नैचुरली गुड्स मीनस परचेज रिटर्न, डिक्रीज हो रही ने तां परचेज रिटर्न नूं असीं की कर देंगे, यस क्रेडिट, बिल्कुल। उस तों बाद प्रगट, प्रगट कौन है बिजनेस का, ध्यान नाल सोच के देखो, जदों असीं चीज़ां परचेज कीतियां सी ठीक, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਬਿਟ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਐਸੈਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਐਸੈਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਸ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਪ੍ਰਗਟ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੀ ਸੀ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਵਿਲ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਪਰਗਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਲਿਖੋ। ਅਮਾਊਂਟ ਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਗਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 10-12 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਸੀ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। July 4 ਗੁੱਡਸ ਵਰਥ ਰੁਪੀਸ 2000 ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ 2000 ਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਬੀਇੰਗ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 2000 ਡੈਬਿਟ, ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸੀ। ਇਹ 2000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ 2000 ਡੈਬਿਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ, ਆਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਮੀ ਸੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਟਨ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡਸ। ਇਨਵਰਡਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਨਵਰਡਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਔਰ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, आउटवर्ड आउट मीन्स बाहर, इनवर्ड्स मतलब वस्तुआं वापस बिजनेस च आ गई। वेन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जो गुड्स वापस कर दिया, दैट वन इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो यह ध्यान रखियो दो अकाउंट इफेक्टड हो गए, एक तो गुड्स वाला, उत्थे गुड्स वाला उत्थे भी इफेक्टड हो रहा है, बट सेल्स रिटर्न है हुण। सेल्स रिटर्न गुड्स सानू पता है रियल अकाउंट होंदिया ने, हुण कमिंग इन बिजनेस आ रही ने, कस्टमर ने वापस कर दिया। What comes in debit ਤਾਂ customer ਤਾਂ goods ਨਾਲ related ਜਿਹੜਾ account ਹੈ, sales return ਜਾਂ return inward account, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, debit। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੂਸਰਾ account ਜਿਹੜਾ affected ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ personal account ਹੈ, giver ਹੈ ਉਹ, giver ਦੇ account ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, credit। entry ਕੀ ਬਣ ਗਈ, sales return ਔਰ return inward account, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਅਕਾਊਂਟ। ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੁਰਿੰਦਰਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੁਰਿੰਦਰਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੀਇੰਗ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਬਾਏ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਵਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਸਾਵਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਸਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਵਟ ਜਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਲਾਸ ਨੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 10% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਡ ਔਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਵਰਥ ਰੁਪੀਸ 1 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ, ਸੋਰੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, 10% ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਯੂ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। 1 ਲੱਖ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪੀਸ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਵਟ ਹੈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡੈਬਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਬਿਟ। ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਬਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ 'ਤੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਸੋਰੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, 10,000 ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਕਲੀਅਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ 10% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਔਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ? ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, 2 ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,
एटलीस्ट टू और मोर डेबिट या तो दो या दो तो ज्यादा डेबिट हो एक क्रेडिट और एटलीस्ट घट्टो घट दो जरूरी है या एटलीस्ट वन डेबिट एक डेबिट हो रहा है टू और मोर क्रेडिट जो दो या दो तो ज्यादा की हो क्रेडिट गल की जो दो तो ज्यादा अकाउंट इनवॉल्व हो इको ही ट्रांजेक्शन के उस ट्रांजेक्शन असं कंपाउंड एंट्रीज कहने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर डेट में बिजनेस के होया बिल्डिंग रूपीज 3 लाख एंड मशीनरी रूपीज 2 लाख आ परचेस्ड 3 लाख की बिल्डिंग 2 लाख की मशीनरी परचेज कर ली 3 अकाउंट्स इनवॉल्व हो गए भी ध्यान हूँ दो नहीं है 3 जेकर असं इको डेट के कंबाइन एंट्री पाने ऑर्डर पाने ऑर्डर डेट्स नहीं फिर तो यह नॉर्मल एंट्री से हूँ एक कंपाउंड बन गई सेम डेट के कंबाइन एंट्री किमें बनी हूँ एक तो मशीनरी अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है बिल्डिंग सानू पता है दोनों रीयल अकाउंट ने रीयल अकाउंट के होंगे बिल्डिंग द मशीनरी आर कमिंग इन बिजनेस आ रही ने इस करके बिल्डिंग द मशीनरी अकाउंट रीयल अकाउंट च वट कम्स इन डेबिट इन्हों दोनों की कर देंगे असं डेबिट 2 लाख नाल मशीनरी 3 लाख नाल बिल्डिंग। नैक्सट दूसरा अकाउंट इफेक्टेड हो गया कैश अकाउंट कैश अकाउंट आलसो रीयल अकाउंट टू एज आ रीयल अकाउंट डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट हूँ गोज आउट की है भी कैश कैश गोज आउट हो रहा था कैश 5 लाख नाल गोज आउट हो गया बाहर चला गया भी कैश बिजनेस चो क्योंकि एसेट्स परचेज की कैश बाहर 3 अकाउंट इनवॉल्व हो गए 2 डेबिट 1 क्रेडिट एवी की होगी कंपाउंड एंट्री दैट इज द एग्जाम्पल ये कोई जरूरी नहीं 2 डेबिट हो 5 भी डेबिट हो सकते हैं एवी हो सकता है 1 डेबिट हो 2 3 4 5 जिन्हें मर्जी क्रेडिट भी हो सकते हैं डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एंट्री उस टाइम उस एंट्री के की है क्लीयर है भी कंपाउंड एंट्री है आई थिंक यस अगर आप होर क्लीयर करने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट के एक बार फिर मैं कह रहा यह सारा कुछ नहीं लिखना आ वाला ये बिल्कुल नहीं लिखना यह सिर्फ समझाने वास्ते है पेपर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना इस तरह एक ट्रांजेक्शन पढ़ो एक एंट्री पाओ दूसरी ट्रांजेक्शन ये नीचे दीती होगी उन्होंने पढ़ो फिर एंट्री पाओ। एंट्रीज अंडर नॉमिनल अकाउंट या साड़ा एक टॉपिक है जो है नॉमिनल अकाउंट एंट्रीज की होंगे ने सानू पता है नॉमिनल अकाउंट होंगे की है शामिल सारिया बिजनेस दी इनकम्स ते गेन्स जिन्हों प्रॉफिट्स कहते हैं एक्सपेंसिज ते लॉसिज जेकर बिजनेस इस टाइप का कुछ भी होंगे वो सारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होंगे ने दो टंग ओही रूल्स फॉर डबल एंट्री सिस्टम जो ट्रडिशनल मैथड है ट्रडिशनल मैथड की होंगे नॉमिनल अकाउंट्स डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिज एक बार रिवाइज करवा रहे हैं ताकि एंट्रीज आसान हो जाए सारे खर्चे से जोड़े नुकसान हो रहे हैं उन्होंने असं की करा डेबिट क्रैडिट ऑल इनकम एंड गेन सारिया इनकम्स से प्रॉफिट्स ने जोड़े उन्होंने असं की कर देंगे क्रैडिट जी असी मॉडर्न टैक्नीक देखिए इक्वेशन बेस्ड मैथड वो की है एक्सपेंसिज जो भी इनक्रीज हो गए बिजनेस के वैल्यू खर्चों की तो डेबिट जो डिक्रीज हो गए क्रैडिट इनकम का उल्ट है जेकर इनकम या रेवन्यू बिजनेस के इनक्रीज हो रहा है तो उन्होंने क्रैडिट करा जेकर रेवन्यू या इनकम डिक्रीज हो रहा बिजनेस के असं उन्होंने की करा डेबिट दोनों चो जिस मर्जी ढंग से सोच लो एंट्री विल बी सेम बट माई वन एडवाइस टू ऑल ऑफ यू जो भी सोच रहे हो कि एक टैक्नीक पकड़ के रखो ये बड़ा जरूरी है मैं ज़्यादातर ट्रडिशनल मैथड अपना रहा तुम दूसरा भी अपना सकते हो मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगा सिर्फ साड़ी मॉडर्न टेक्नीक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सैप्ट। नैक्सट वन आओ हूँ आप एग्जाम्पल्स करते हैं नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड सैलरी पेड रुपीज 20,000 सैलरी पे करते थे दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं एक तो सैलरी अकाउंट दूसरा किड़ा हो रहा है कैश अकाउंट सैलरी सानू पता है नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसिज ने सारे एक्सपेंसिज की होंगे डेबिट सो सैलरी अकाउंट डेबिट क्लीयर दूसरा अकाउंट क्योंकि सैलरी पे की है तनखा दी है भी कैश जा रहा है रोकड़ा गया बिजनेस चो जो इंपलाइज ही काम करने वाला उन्होंने तनखा दी थी कैश गोइंग आउट बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट में असं कर देंगे क्रैडिट एंट्री की बनगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वेरी सिंपल पेपर आर ट्रांजेक्शन लिखी होगी इस तरह की तो उस तो बाद एंट्रीज पानी ने लगातार होंगे ने ट्रांजेक्शन ये नहीं कि बिच नाल नाल एंट्री पानी होंगी। नैक्सट रेंट पेड रुपीज 2000 का रेंट पे करता सेम है भी इतने सैलरी पे की इतने रेंट बाकी सारा कुछ सेम रेंट होंगे बिजनेस किराया दिता खर्चे ने खर्चे करके रेंट अकाउंट की हो जाएगा डेबिट तो कैश बिजनेस चो बाहर जा रहे कैश अकाउंट हो गया क्रैडिट क्योंकि रीयल अकाउंट है रीयल अकाउंट की होंगे वट गोज आउट क्रैडिट एंट्री विल बी की बन गई एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
क्लियर अमाउंट नरेशन यू नो वेरी वेल बीइंग रेंट पेड नरेशन की होंगे डिस्क्रिप्शन देनी होंगी है जो ट्रांजैक्शन हुई है बारे असं इतने लिखना होंगे तो नीचे लाइन मारनी है लाइन सिर्फ इतने तो लेके इतने तक ही रहनी है नैक्सट वन इंटरस्ट रिसीव्ड वो सारे खर्चे से हूँ एक एंट्री मैं तुम्हें होर दस नॉमिनल अकाउंट की इंटरस्ट रिसीव्ड व्याज मिले भी 3000 का एंट्री ध्यान नाल देखो दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए एक तो कैश पहला कैश जा रहा है खर्चों के हूँ इंटरस्ट रिसीव्ड व्याज मिले कैश आ रहा है रियल अकाउंट है कैश इज कमिंग इन तो कैश में की करांगे डेबिट इंटरस्ट रिसीव्ड की है साड़ी इनकम है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है नॉमिनल अकाउंट सानू पता है सारिया इनकम्स की होंगे ने क्रेडिट एंट्री की बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरस्ट रिसीव्ड अकाउंट एक गल होर रिसीव्ड लिखना कोई जरूरी नहीं जे दो तरह के इंटरस्ट हो फिर असी रिसीव्ड या पेबल कर सकते हैं अदरवाइज इतने इंटरस्ट अकाउंट नाल भी पता लग गया कि इनकम है क्योंकि क्रेडिट है 3000 नाल बीइंग इंटरस्ट रिसीव्ड समझ लग गया ए सी साडिया नॉमिनल अकाउंट नाल रिलेटिड एंट्रीज कुछ खर्चे ते इनकम्स कमीशन रिसीव्ड रुपीज 300 पहला इतने सानू इंटरस्ट मिलिया सी बट वाई चैक चैक नाल मिलिया भी इस बार कैश नहीं आ रहा बैंक अकाउंट इफेक्टड हो रहा एक कमीशन रिसीव्ड कमीशन साड़ी इनकम है बैंक परसनल अकाउंट है बैंक जो कमीशन मिली चैक नाल साढ़े बैंक के चैक चला गया बैंक चैक का रिसीवर बन गया एज ए परसनल अकाउंट तो बैंक के अकाउंट में डेबिट करा कमीशन रिसीव मिल हुई है सानू तो इनकम है इनकम्स वाले अकाउंट नॉमिनल अकाउंट सारे की होंगे ने क्रैडिट एंट्री की बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्लीयर नरेशन डेट अमाउंट सेम नैक्सट वन टेलीफोन बिल रुपीज 400 एंड वेजिज रुपीज 200 पेड लो जी नॉमिनल अकाउंट की कंपाउंड एंट्री भी करिए हूँ इतने क्योंकि कंपाउंड एंट्री बन गई इक्को डेट टेलीफोन बिल भी पे करता वेजिज भी पे करती दोनों एक्सपेंसिज ने नॉमिनल अकाउंट्स दोनों एक्सपेंसिज ने की होंगे डेबिट टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट वेजिज अकाउंट डेबिट 400 200 जिन्ना डेबिट उन्होंने ही क्रेडिट होना चाहिए सी पे कहते कैश न कैश अकाउंट कैश गोइंग आउट रियल अकाउंट है बिजनेस चो बाहर जा रहा है तो कैश 400 प्लस 200 600 नाल कैश अकाउंट की हो गया क्रेडिट क्योंकि 600 रुपए कैश है जो बिजनेस चो बाहर चला गया बीइंग टेलीफोन बिल एंड विच इज पेड क्योंकि दोनों ही पे किते ने नरेशन च असी एक्सप्रेस करता इन क्लीयर यस इनक्लूसिव एंट्रीज ने कुछ आप एक बार रिविजन कर लिए हूँ दो तीन एंट्रीज मिक्स ने गुड्स वर्थ रुपीज 200 रिटर्न बाय काजल काजल ने 200 दियाँ गुड्स वापस करती हैं तो काजल ने कदे सेल कीती होनी सेल रिटर्न है भी सेल क्रेडिट होंगी है सेल रिटर्न गुड्स वापस आ गई गुड्स अकाउंट मीनस सेल रिटर्न अकाउंट की हो गया डेबिट जिमें मैं पहला समझाया जिन्हों नहीं क्लीयर सेल रिटर्न वाला हिस्सा फिर देखो एक बार सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तो गुड्स देने वाली कौन है क्रेडिट का गिवर काजल के अकाउंट परसनल अकाउंट है काजल के अकाउंट में असं की कर देंगे इतने क्रेडिट being goods returned by kazal carries paid rupees 600 by check carries hunda hai vi a ridiyan da rickshaw da kiraya jehda vaston nu carry karan da jide vich assi vaston nu lad ke leke aunde ha unna nu carriers kehnde ha te carries pay kita 600 check dwara pay kita hai cash nahi hega do account affected ho gaye ek da kharcha hoya expenses account kehda hai carriage account dusra payment bank de check dwara hui hai personal account hai डेबिट का रिसीवर क्रेडिट का गिवर इस बार साडा बैंक ने पैसे दिते कैरेज दे तो एंट्री की बनगी कैरेज अकाउंट डेबिट क्योंकि सारे खर्चों के अकाउंट की होंगे ने डेबिट इनकम्स के अकाउंट की होंगे ने क्रेडिट कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक बार फिर पीछे जाके एक्सपेंसिज नाल रिलेटेड तुसी वीडियो का हिस्सा देख सकते हो एंट्री क्लीयर होगी इस बार कैश नहीं जा रहा बैंक इज द गिवर बैंक नु की करता क्रेडिट अगे है रुपीज 5000 डेप्रीशन चार्ज मशीनरी मशीनरी तो डेप्रीशन कटनी नहीं डायरेक्ट ही दस रखिए 5000 चार्ज की डेप्रीशन बिजनेस का लॉस है लॉस की होंगे ने हमेशा डेबिट नॉमिनल अकाउंट्स डेप्रीशन अकाउंट डेबिट मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मशीनरी का इन्ना हिस्सा वैल्यू वाइज बिजनेस एक तरह का घट गया बाहर जा रहा है बिजनेस चो बाहर जा रहा है एनी कि मशीनरी बाहर जा रही है टू मशीनरी अकाउंट तो मतलब मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करता एंड रियल अकाउंट्स की होंगे व्हाट गोज आउट क्रेडिट मशीनरी अकाउंट की होगी क्रेडिट या उसकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस करके क्रेडिट जिम्मे मर्जी सोच सकते हो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 5000 हूँ एक चीज देखो मान लो पेपर से तीन एंट्रीज ने तो तीनों एंट्रीज पढ़निया ने रफ कम तो दिमाग वाइज असी आप सोचना जे लिखना तो उत्थे लिख के देखो पे जो असी सोल्यूशन लिखना पेपर च आंसर लिखना है तो इतने आंसर लिख के क्वेश्चन नंबर पाओ
ਤੇ ਨਾ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆਸ ਦਾ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ